नमस्कार, मैं हूं जिया और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। बहन से राखी बंधवाने आए भाई जिले मुंडवाना नदी में नहाने के दौरान पानी के तेज बहाव से बह गए, जिनका अभी तक कोई पता नहीं लग सका है। यह घटना जिले मुंडवाना नदी की है, जहां शहडोल शहर के निवासी धर्मेंद्र सोंधिया, जो कि कॉन्वेंट स्कूल के पीछे रहता था, एवं दूसरा युवक लल्ली केवट, जो पुलिस लाइन में रहता था, दोनों ही युवक लल्लू केवट की बहन से राखी बंधवाने आए थे। इस दौरान दोनों के पास में ही मुंडवाना नदी में नहाने के लिए गए थे, जो पानी के तेज बहाव में बह गए, जिनका अभी तक कोई पता नहीं लग सका है। दोनों की तलाश में जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं सरकारी अमले को जानकारी मिलते ही जिले के कलेक्टर व SP मौके पर पहुंचा और मुआयना किया। दोनों बच्चों का कोई सुराग नहीं मिलने पर जबलपुर से NDRF की टीम को शहडोल बुलवाया गया है, जिनका इंतजार किया जा रहा है। शहडोल से अविनाश शर्मा की यह रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। नाम है भैया आपका? दल्लू केवट। कैसे भाई बहन के बच्चे आपके? आ रहे हैं राखी बंधवाने। हाँ। पता नहीं स्वामी कैसे कैसे यहाँ का इधर चले आए हैं। मैं तो रहा नहीं, गाँव में रहा। 6 बजे मेरा खून मिला है। क्या मिला फोन में? बताए थे तो लल्ली नदी में गिर गया है। तो कैसे आए होंगे, पता चला आपको कैसे नदी में पहुंचे? नदी में हम मोहल्ला वाले सब लड़के दोस्त वोस्त रहे हैं, सब बताए हैं। तो क्या कर रहे थे नदी में बच्चे लोग? पहले मिस्त्री आना है, खाना वाना बनाते रहे हैं ना। नहीं नहीं, बच्चे क्या कर रहे थे नदी में, कैसे आ गए? गाड़ी से आ रहे हैं ना यहाँ राखी बांधने। यहाँ क्या करने आए थे नदी क्या करने आए थे नदी में मतलब? पता नहीं, ग्राउंड नीचे आ रहे हूँ, मैं तो नहीं रहा हूँ। कल रक्षाबंधन के दिन एक दुखद घटना हुई है शाम को, जिसमें दो बच्चों की, दो जो 22-23 साल के लड़के, एक ठापा और एक सोंधिया, वो लोग उनकी जो है नदी में बह गए हैं और उसका सर्च ऑपरेशन आप जैसा कि देख रहे हैं चालू है। होमगार्ड की टीम लगी हुई है, जो हमारे पास एक्सपर्ट जिला स्तर पे हैं वो अपने स्तर पे लगे हुए हैं। SDRF की टीम जबलपुर से बुलाई जा रही है, ट्रेन गोताखोर हैं जिनके पास सेंटर वगैरह रहते हैं वो। साथ ही हम सोन नदी पे भी, सोन नदी से जो मुन्ना की तरफ का जो हिस्सा है उस पे मोटर बोट लगा करके वो भी सर्चिंग ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, ताकि अगर कहीं डेड बॉडी फूल करके और कहीं किनारे पर या कहीं लगती है तो वो हम लोग वो करें, और बाकी जो गोताखोर ट्रेन आएंगे उनकी मदद से हम लोग वादी निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। और में कितना पानी में पानी होगा,